Class 10th, Jai Hind, and welcome back to the class. In the last class, we studied about the direct benefits from the forest. Do you understand? Direct benefits from the forest. I hope you remember it. कि फॉरेस्ट की हम बात कर रहे थे कि इससे हमको क्या क्या फ़ायदे हैं. सो देर आर सम डायरेक्ट बेनिफिट्स एज वेल इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑल्सो. सो डायरेक्ट बेनिफिट्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. लेट मी रिमाइंड यू वंस मोर. फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वुड. डेफिनेटली वुड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस. देन सेकेंड इज़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ऐसे छोटी छोटी और भी चीज़ें मिलती है जो हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम आती है. एंड देन इट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज. जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए भी जो मटेरियल आता है वहीं से आता है. लाइक पेपर इंडस्ट्री हो, मैच इंडस्ट्री, लैक इंडस्ट्री, लेदर, ऑयल एंड हर्बल मेडिसिन, इन सब का रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल जिससे सारी चीज़ें बनती है वो जंगल से ही आता है. देन ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल्स. फॉरेस्ट प्रोवाइड्स नेचुरल पास्चर्स फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स. यानी कि जो नेचुरल एक इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर एनिमल्स चरते हैं, नेचुरली जो उग जाता है, जिसको उगाया नहीं जाता है, वो ग्रेजिंग लैंड एनिमल्स को यहाँ पर मिलता है. एम्प्लॉयमेंट काफ़ी लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेस्ट से एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है. देन फॉरेन एक्सचेंज. वी कैन सेल अ लॉट ऑफ थिंग्स इन फॉरेन कंट्रीज एंड ऑन द फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इट. देन हेल्प इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. डेफिनेटली तेंदूपत्ता, केन, हनी वैक्स एक्सेट्रा, दिस थिंग्स are very useful. They serve as the raw material for the small scale industry, so it's very important. Then revenue generation. Yeah, revenue generation, because definitely if you use the products of forest, you have to give revenue to the government, and 670 crore per annum is received by the government, collected by the government, which is a very old data is given. Now it is more than that. So today we are going to understand the indirect benefits. Yes, according to J.S. Collins, trees hold the mountains, suppress the stormy rainfall, then regulate rivers, maintain streams, and animals survive on them. So rather than these direct benefits, these are the indirect benefits. क्या क्या indirect benefits है? Mountains पर जो trees होती है वो ट्रीज जो होती है वो माउंटेन्स को होल्ड करके रखती है एक साथ. देन सप्रेस द स्टोमी रेनफॉल. बहुत ज़्यादा आंधी तूफान वाली जब बारिश आती है तो उसको भी फॉरेस्ट ख़त्म करते हैं. देन रेगुलेट रिवर्स. रिवर्स को भी रेगुलेट करती है. इट इज़ जस्ट बिकॉज रिवर्स जंगल से होकर ही ज़्यादातर निकलती है, तो रेगुलेशन डेफिनेटली जंगल के हाथ में होता है. एंड मेंटेन द streams and animals survive on them. So animals को भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है. What are the main benefits? Direct, indirect benefits. Control soil erosion. Definitely जो trees होती है वो अपने जड़ से soil को hold करके रखती है. And because of this पानी के साथ या हवा के साथ soil का erosion नहीं होता है. What is soil erosion? You already know. Soil erosion means हवा, पानी या दूसरे किसी रीज़न के कारण जब मिट्टी बह करके दूसरी जगह पर चली जाती है तो उस जगह पर मिट्टी की कमी होने लगती है, एंड दैट इज़ सॉइल इरोजन. तो वो भी चेक हो जाता है क्योंकि जो जड़ होती है पेड़ों की वो उसको रोक करके रखती है. नेक्स्ट इज कंट्रोल द क्लाइमेट. यस, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द क्लाइमेट. डेफिनेटली ये एक स्पीड जो होती है विंड की उसको ब्रेक कर देते हैं, जिससे हॉट या कोल्ड विंड जैसी भी है उसकी स्पीड कम हो जाती है, एंड पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट है वो अच्छा रहता है. ओके, चेक्स फ्लड. नाउ स्पीड ऑफ रनिंग वाटर इज रिड्यूस्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो बीच में अगर पेड़ पौधे या दूसरे कोई वनस्पति जिसको हम बोलते हैं प्लांट्स होते हैं, सो इट स्टॉप्स और इट चेक्स द स्पीड ऑफ वाटर. जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी तेज बहता है, बट जंगल के कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि बीच में बहुत हर्डल मिलता है. सो बाढ़ को भी रोकने में ये सहायक है. एंड सेकेंड थिंग, इसकी जो ट्रीज होती है उसकी जड़ जो होती है वो काफ़ी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण बाढ़ नहीं आती है. कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरियाज. सो डेजर्ट एरियाज भी जब बढ़ते हैं, डेजर्ट एरिया तब बढ़ते हैं क्योंकि उसके आसपास की जो रेत है वो और आसपास के एरियाज में फैलती जाती है,
एंड वहाँ की ज़मीन को भी बैरन बनाती है. सो दोज सॉरी दैट पर्टिकुलर सैंडी एरिया विल नॉट बी मच फर्टाइल, एंड दैट्स वाई वो भी धीरे धीरे डेजर्ट एरिया बनता जाएगा एंड उसका कंटिन्यूसली एक्सपांजन होता रहता है. एंड उस एक्सपांजन को रोकने के लिए इफ़ यू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, तो वो जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी तो ज़मीन जो उपजाऊ बनेगी और उसी के कारण फिर से नए पौधे डेवलप हो सकते हैं. दैट्स वाई जंगल से फिर से जंगल डेवलप होता है, यानी कि फर्टिलिटी बढ़ती है और वहाँ पर लोग भी सेटल हो सकते हैं. तो डेजर्ट एरिया का जो एक्सपांशन है वो रुक जाता है. देन रेन बियरर्स, यस, जो रेन आती है उसको रोकने का काम या रेन करवाने का जो काम है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न फॉरेस्ट ही होते हैं. देन इंक्रीजेस वाटर लेवल, वाटर लेवल भी बढ़ता है क्योंकि वाटर लेवल इन पोन्स, टैंक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम इज मेंटेन्ड बाय देम. तो इसी के अंदर बहुत सारे पोन्स होते हैं, टैंक्स या रिवर्स हम इसकी बात करते हैं, सारी चीज़ें डेफिनेटली फॉरेस्ट के द्वारा ही हुई है. फॉरेस्ट अगर नहीं होते तो बारिश कम होती और इनमें कभी पानी नहीं आ पाता. इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, डेफिनेटली सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि जहाँ पर ट्रीज हैं वहाँ पर ज़्यादा उसके पत्ते या टहनियाँ या फल उसके गिरते हैं, जिसके कारण ह्यूमस की एक लेयर डेवलप होती है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, ये खाद का काम करेगा जब ये पत्ते सड़ जाएंगे. ओके, दैट इज़ द रीज़न. एंड डेफिनेटली जहाँ पर फॉरेस्ट है वहाँ पर बारिश होने की संभावना ज़्यादा है और पानी गिरेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी और बढ़ेगी. इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन फील इट एक्चुअली. दिस पॉइंट यू कैन फील वेन एवर यू आर इन द लैप ऑफ नेचर. ज़्यादा पेड़ के आसपास जब आप होते हो तो आपको उसके नीचे बहुत अच्छे से सुकून मिलता है, अच्छी नींद आती है एंड यू कैन ब्रीथ ईजिली, यू नो, बिकॉज दे गिव आउट ऑक्सीजन. सो जितना प्योर ऑक्सीजन या ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में होगा उतना ज़्यादा हमको अच्छा फील होगा. एंड दैट्स वाई क्वालिटी जो होती है ऑक्सीजन की वो भी इससे इम्प्रूव होती है. नेचुरल ब्यूटी, यस, डेफिनेटली नेचुरल ब्यूटी इट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट. टूरिस्ट घूमने आएंगे, टूरिस्ट मीन्स पर्यटक, जो पर्यटक एक जगह से दूसरी जगह पर या कोई आसपास के एरिया में कहीं पर भी सिर्फ जंगल की ब्यूटी को देख करके प्रभावित होते हैं, वहाँ पर वो जाते हैं एंड डेफिनेटली उससे भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है. सो वेन एवर यू फील बैड यू कैन गो इन द लैप ऑफ नेचर, यू विल फील वेरी, यू नो, पीस एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ रिलैक्सेशन. सो दिस आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स. ओके, देर आर सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो स्टेटेड. वॉट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज? अब इससे डायरेक्ट बेनिफिट्स भी है, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी है, अब इससे प्रॉब्लम्स क्या है? सो प्रॉब्लम्स आर गिवन इन दिस बॉक्स. नंबर वन, डिक्लाइन फॉरेस्ट एरिया. फॉरेस्ट एरिया धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि वी आर सेटलिंग इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑल्सो. ह्यूमन जो है वो धीरे धीरे जंगल को काट करके वहाँ पर घर बनाता जा रहा है या माइनिंग कर रहे हैं या फिर उसको काट करके फर्नीचर या डिफरेंट पर्पज से यूज़ कर रहे हैं. तो फॉरेस्ट एरिया ख़त्म हो रहा है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, फॉरेस्ट आर ऑन हाई माउंटेन्स एंड हील्स. फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स या हील्स पर है, वो भी एक फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए प्रॉब्लम है कि वहाँ से लाना उसको थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि कहीं पर ज़्यादा फॉरेस्ट है, कहीं पर बहुत कम फॉरेस्ट है. एंड दैट्स आर द पीपल ऑफ द पीपल विथ लेस फॉरेस्ट एरिया फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू, यू नो, हैव द फॉरेस्ट रिसोर्स इज अवेलेबल नियर टू देम. एंड देन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, या दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रॉब्लम बिकॉज जब फॉरेस्ट एरिया के अंदर से आप कुछ चीज़ लेकर के आओगे एंड द रोड्स आर नॉट डेवलप्ड इन द इनर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट, तो उसको बाहर तक लेकर के आना इज अ वेरी बिग टास्क. एंड देन ट्रेडिशनल टेक्निक्स, वी आर टूडे ऑल्सो वी आर यूजिंग द ट्रेडिशनल टेक्निक्स कि हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ कैसे कर रहे हैं, यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, कैसे उसका मटेरियल हम बाहर लेकर के आ रहे हैं. तो उसके अंदर जितनी भी टेक्निक्स हमारी हम यूज़ कर रहे हैं दोज आर ट्रेडिशनल, यानी कि बहुत पुरानी टेक्निक्स है. ओके, देन डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया ड्यू टू अर्बनाइजेशन. जितना हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, जितना सिटी एरिया बढ़ता जा रहा है उतना जंगल खत्म होता जा रहा है.
इफ यू सी द विलेजेस, वहाँ पर उतनी ज़्यादा पेड़ों की कटाई नहीं होती है, बट जैसे जैसे सिटी बढ़ती जाती है आसपास के पेड़ पौधे या जंगल पूरी तरह से ख़त्म ही होते जाते हैं, विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। एंड देन फॉरेस्ट फायर, इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट कंट्रीज लाइक अमेरिका, ब्राज़ील, हर साल वहाँ पर जंगल में आग लगती है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और बहुत सारा लाइक ड्यूरिंग लॉकडाउन, वहाँ पर लॉकडाउन से पहले भी आग लगी थी जिसके अंदर काफ़ी जानवर जिंदा जल गए थे, बहुत सारे जानवर एंड पीपल्स ऑल्सो। सो फॉरेस्ट फायर इज़ यू नो अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज। सो स्टडी हार्ड, थैंक यू।